कहीं ना कहीं सौतेलापन का शिकार तो जिसमें हुआ है उसमें कोई दो राय नहीं। दो केंद्रीय मंत्री थे, हमें बड़ी अपेक्षाएं थी। रेल ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इश्यू था, वो पूरा नहीं हुआ। हम दिल्ली जयपुर से कट के रह गए। अब राम मंदिर की जो आंधी आ रही है उस आंधी में कोई बचने वाला नहीं लगता। जो मोदी जी का नारा है 400+ का, वो निश्चित रूप से 400+ भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। बाड़मेर की जनता को बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन उन अपेक्षाओं पर जब आप चुनाव नजदीक आने वाले हैं, लग रहा है कि दोनों ही सांसद अपनी उन जनता की अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। जल जीवन मिशन के जो काम है वो आगे किस तरह से बढ़ेंगे और लोगों को जो है वो उसका बेहतरीन फायदा मिलेगा, ये आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। क्योंकि डबल इंजन की सरकार अब आई है तो वो चीजें अब आगे दिखाई देंगी। जो चुनाव आने वाले उनकी बात करें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास, जनता के पास नो डाउट। 25 की 25 सीटें इस बार फिर आने की आशंका है। आगामी अप्रैल मई माह में संभावना व्यक्त की जा रही है, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, दोनों जैसलमेर जिला जो है उसमें 2 MP आते हैं। जैसलमेर विधानसभा जो है वो बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है और पोखरण विधानसभा जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। तो जैसलमेर जिला एक ऐसा है जहाँ पे 2 मंत्री है केंद्र के, कैलाश चौधरी जी है वो बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है वो जोधपुर में आते हैं, चूंकि पोखरण जो है जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें आता है। तो इसलिए 2 MP है और यहाँ की पब्लिक को बहुत अपेक्षाएं थी कि ये जो 5 साल बीते हैं उनमें काफी काम होने चाहिए, लेकिन अब हम जो जैसलमेर के मेरे साथ में कई वरिष्ठ साथी है, कई वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे पूछेंगे किस तरह क्या सोचते हैं जैसलमेर की जो MP है वो कितने खड़े होते हैं यहाँ की जो आम जनता की अपेक्षाएं थी। इसके अलावा जो आने वाले चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या इनकी इनको क्या लगता है कि वापस सरकार जो है भाजपा की आएगी या जो मोदी की लहर वापस दौड़ेगी, क्योंकि अयोध्या का जो भी राम मंदिर का अल्लाह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके अलावा जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें क्या नया चेहरा उतारा जाएगा या इनका क्या कहना है, इनसे हम कई लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ में सबसे पहले मैं बात करूंगा संजय व्यास से, वरिष्ठ साथी हमारे, क्या कहना चाहेंगे जो 5 साल भी बीते हैं, 2 MP जैसलमेर में आते हैं, दोनों मंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे कितने खड़े होते हैं? जैसलमेर का दुर्भाग्य है कि जैसलमेर 2 मंत्री आते हैं, आपने कहा सही बात है, लेकिन हम बाड़मेर जैसलमेर उसमें शामिल है, 7 सीटें बाड़मेर रहती है, 1 सीट जैसलमेर, ऐसा ही पोखरण है, 7 सीट जोधपुर चली गई, 1 सीट पोखरण। तो जो सांसद है उन्हें वो मैं तो शायद लगता नहीं है जैसलमेर का या पोखरण का, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनके साथ साथ है दोनों जिलों में, तो कहीं ना कहीं सौतेलापन का शिकार तो जैसलमेर हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 केंद्रीय मंत्री थे, हमें बड़ी अपेक्षाएं थी। रेल ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इश्यू था, वो पूरा नहीं हुआ। हम दिल्ली जयपुर से कट के रह गए, खासकर कोविड के बाद में। तो वो जो लाभ मिलना चाहिए था जैसलमेर को 2 मंत्रियों का, वो कम से कम लोकसभा के धरातल पर देखा जाए तो नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे इस बार फिर जो है चुनाव हो रहे हैं, क्या बीजेपी की सरकार फिर सेंट्रल में आएगी, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है उसको देखते हुए, और जो नरेंद्र मोदी जी और ये अमित शाह जो इनकी जो भाजपा का संगठन है, जितना काम करता है, जितनी मेहनत करते हैं, उसको देखते हुए लगता है कि उनकी ज्यादा चांसेस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने 383 सीटें जब ली थी तो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गई थी। अब दक्षिण में, पूर्वोत्तर में और इन राज्यों में जहाँ वो अधिकतम ले चुकी है, जैसे 25 से 25 उसके पास थी, अब वो 26 ले नहीं सकती। ऐसा कैसा, उसने गुजरात 26 सारी सीटें ले ली थी, 27 नहीं कर सकती। अब बताना घर भाजपा को है, तो मुझे लगता है कि वो उनको अच्छे से पता है कि उन्हें कहाँ पे मेहनत करनी है, तो निश्चित रूप से चुनौती भी पेश आएगी खासकर इंडिया गठबंधन की तरफ। जैसलमेर में और भी कई जिले में इशू है, DMP का बहुत बड़ा इशू है, स्टेट ने गेंद जो है सेंट्रल में डाली है, आज कई गाँव के जो है वो विकास रुके हुए हैं। DNP का मुद्दा जैसे आपने सही फरमाया कि मतलब केंद्र राज्य के पाले में गेंद है, लेकिन मुसीबत 50,000 ज्यादा लोगों को भुगतनी पड़ रही है, और ये इतना बड़ा इश्यू है, इतना ज्वलंत इश्यू है, और कहना होगा कि हमारी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है यहाँ के नेताओं की, स्टेट में मंत्री थे, अभी हमारे केंद्र में 2 मंत्री ऑलरेडी बैठे हैं, वो पीड़ा शायद कहीं उनमें नहीं है जो होनी चाहिए। जो हमने देखा है जसवंत सिंह जब वित्त मंत्री थे केंद्र में, तो जैसलमेर के जो इश्यू होते तो जो गति से सॉर्ट आउट होते थे वो नहीं हुए पिछले 10-12 साल में। कहीं ना कहीं राजनीतिक वॉइस की कमजोरी साफ दिख रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक वॉइस की कमजोरी। मेरे साथ कई और साथी है, उनसे पूछे, भूपेंद्र सिंह राठौर जी है, इनसे पूछेंगे किस तरह की जैसलमेर की जो 2 MP है, पब्लिक यहाँ से कितनी अपेक्षा में खड़े होते हैं यहाँ की जो MP दोनों है, दोनों सांसदों से। जैसलमेर बाड़मेर की जनता को बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन उन अपेक्षाओं पर जब आप चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो लग रहा है कि दोनों ही सांसद अपनी उन जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा जो यहाँ स्थानीय निवासियों का है, उसे बाड़मेर भी प्रभावित है,
और जैसलमेर तो है ही है डीएनपी का, डीएनपी के कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास को गति मिलनी चाहिए थी वो गति नहीं मिल पा रही है। और वैसे ही रेल का जो मुद्दा है, एक रेल यहाँ से रवाना होती है 12 बजे, एक जाती है 3 बजे। पर्यटन नगरी होने के कारण यहाँ के पर्यटकों को बड़ी निराशा है, और जो सीजनल बेसिस जो इन्होंने किया हुआ ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे जो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं वो फ्लाइट्स भी अभी फरवरी माह आते आते ही बंद हो जाएंगी, जबकि इन्हें सोचना, थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए कि इसे साल भर किस तरह से चलाया जा सके। दूसरा, जो यहाँ आप देखिए चुनाव नज़दीक आने वाले हैं और 2-2 महीने 2.5 महीने 3 महीने से लोग किसान पानी को लेकर के और रामगढ़ के अंदर भी लोग धरने पर बैठे हैं, सांसदों को चाहिए कि वो उनके बीच जाएं, सहानुभूतिपूर्वक उनसे बातचीत करें, उसका निस्तारण करें, वरना दोनों ही जगह पर जो बातें निकल कर आ रही हैं कि यदि ये चेहरे रहते हैं तो बीजेपी को यहाँ पर जो तय मान करके चल रहे हैं वो संभावित नहीं लगता है कि वो ये सीटें पूरी तरह से निकालने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन केंद्र में क्या लगता है, किस तरह की जो लहर आएगी मोदी जी की, या कोई और कुछ और भी उलटफेर हो सकता है? देखिए केंद्र में तो कोई इसमें संशय नहीं है, केंद्र में पुनः भाजपा सरकार के रिपीट होने के पूरे आसार हैं और अच्छी मेजोरिटी से आएगी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जैसलमेर और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर जरूर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है उनकी कार्यशैली को लेकर। मेरे साथ कई और साथी है, मनीष रामदेव जी है हमारे साथी है, पूछेंगे किस तरह की जो इस बार रामलला का जो मंदिर अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितना फर्क पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल विमल जी, भारत की राजनीति को अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो एक ओहदा है और उनका जो व्यक्तित्व है वो दुनिया भर के प्रभावशाली नेताओं में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान पर रहने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में देश की जनता भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करती है, और निश्चित रूप से रामलला सहित कश्मीर में धाराएं हटाना और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर जो तमाम काम हुए हैं उसको लेकर जनता का रुझान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, नरेंद्र मोदी की तरफ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में सरकार बनाएगी, इसमें कोई दोहराए नहीं लग रहा है, संशय नहीं लग रहा है। ठीक है, सीटों की गिनती ऊपर नीचे होना एक अलग बात है, लेकिन सरकार जो है वो निश्चित रूप से बनेगी। और दूसरी बात कि विपक्ष भी जो है वो उतना मजबूत कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया गठबंधन बनाया गया था लेकिन इंडिया गठबंधन भी अपने आप में जो है वो खींचतान में चल रहा है, उन लोगों को एक धरातल पे वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो बिना विपक्ष, मजबूत विपक्ष के जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलने वाला है दिख रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है, जो दोनों एमपी है जैसलमेर के, दोनों बाड़मेर से भी आते हैं और पोखरण जो है जोधपुर में आता है, तो क्या करना चाहेंगे? दो विधानसभा क्षेत्र और दोनों एमपी दोनों मंत्री, तो किस तरह की जो जैसलमेर की अपेक्षाएं थी यहाँ की उसमें कितने खड़े होते हैं? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री अगर दोनों की अपन बात करें तो पहली बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की, जो जल जीवन दल के मंत्री हैं और जल जीवन मिशन को लेकर राजस्थान में काम करने की उनकी मंशा जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दी है, और कई बार उनसे जो है वो मीडिया ने भी सवाल पूछे हैं तो जवाब जो है वो यही निकल के आया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की थी। तो ऐसे में दोनों सरकारों का आपस में तालमेल नहीं होना कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन को उतनी गति नहीं दे पाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब आगे देखने को मिलेगा कि किस तरह से जल जीवन मिशन के जो काम है वो आगे किस तरह से बढ़ेंगे और लोगों को जो है वो उसका बेहतरीन फायदा मिलेगा, ये आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। क्योंकि डबल इंजन की सरकार अब आई है तो वो चीजें अब आगे दिखाई देनी शुरू होगी। डबल इंजन की सरकार अब आई है, ये इनका कहना है, अब आगे देखने को मिलेगा। मेरे साथ में कई और साथी है, मेरे साथी वरिष्ठ साथी विमल शर्मा जी है, उनसे पूछेंगे किस तरह जो है यहाँ के दोनों एमपी है, दोनों मंत्री है बाड़मेर और जो पोखरण का ऐसा जोधपुर में आता है गजेंद्र सिंह जी, कैलाश चौधरी जी दोनों मंत्री है, तो किस तरह यहाँ की जनता पे वो अपेक्षा पे खड़े उतरे हैं? देखिए जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की और केंद्र में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, जो केंद्र की जो योजनाएं थी उनको राज्य सरकार ने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका पैसा कहीं और खर्च किया जिससे उसको कार्य को गति नहीं मिल पाई। चूंकि अब डबल इंजन की सरकार आ गई है दोनों तरफ तो निश्चित रूप से विकास हो रहा है और भी जो केंद्र की योजनाएं उस योजनाओं का कार्य हो रहा है। अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की तो वो जिस गति से पकड़ रहा है कार्य अपनी वो तो वो बहुत अच्छा काम होगा। दूसरा, जिस तरह से जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेकर भी जिस तरह की जाँच हो रही है जिस तरह का, तो कई ऐसी बातें भी सामने आएगी जिसको लेकर 5 साल तक राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो और दूसरी तरफ अगर बाड़मेर
सांसद की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने बाड़मेर जैसलमेर सांसद के रूप में, बहुत अच्छा कार्य किया है और दोनों ही सांसदों का कार्य निश्चित रूप से बहुत बढ़िया रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि दोनों ही सांसद दोबारा रिपीट हो सकते हैं। किस तरह की जो अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बना है, कितना फर्क पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव? भाई राम लल्ला तो अब राम लल्ला के विवेक में है, जो सारे बह जाएंगे, जो भी के सामने आएगा वो सारा ही उड़ जाएगा आंधी की तरह। पहले तो आंधी थी नरेंद्र मोदी की, अब राम मंदिर की जो आंधी आ रही है उस आंधी में कोई बचने वाला नहीं लगता मुझे। जो मोदी जी का नारा है 400+ का, वो निश्चित रूप से 400+ भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। विमल शर्मा जी कह रहे हैं 400+ आएगी। चंद्रप्रकाश जी ये भी मेरे बहुत पुराने साथी हैं, क्या कहना चाहेंगे जो अभी एमपी इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, किस तरह जो अभी जो वर्तमान एमपी है वो खड़े होते हैं और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, वापस सरकार केंद्र में भाजपा की आ रही है या क्यों उलटफेर हो सकता है? केंद्र में तो भाजपा की सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं, इंडिया गठबंधन चाहे कितना भी कर ले, पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां तो बीजेपी की कोई छानी नहीं। पहले भी पिछले दो इलेक्शन के भी रिजल्ट आप देख लो, 14 या 19 का, तो उसमें भी आप देख लो भाजपा ने 25 से 25 सीटें ली है। तो इस बार भी ऐसा नहीं लगता है कि राजस्थान में बीजेपी कोई एक भी सीट कांग्रेस के लिए लूज कर दे, मुश्किल लग रहा है। और विकास के नाम पे देखा जाए तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ कोई भी पार्टी ने राज किया है पर इस तरफ ज्यादा गौर नहीं किया है। सीमावर्ती होने के नाते केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई है उसके अनुरूप जो मिला है वो दोनों जिले ले रहे हैं। अब रहा बात विकास में, बाड़मेर में तो वहाँ तो पेट्रोलियम कार काफी खजाना मिलने से उस क्षेत्र का तो विकास है, पर जैसलमेर का जो मुख्य कार्य है पर्यटन, तो उस पर्यटन उद्योग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कनेक्टिविटी को जोड़ने से न जोड़ पाने से ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनका ये कहना कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पाने से नुकसान हो रहा है। मेरे साथ कहीं और भी है साथी, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सिकंदर शेख जी है, किस तरह जो है दोनों एमपी हैं यहाँ पे, दोनों मंत्री हैं, किस तरह खड़े उतरे हैं, क्या देखते हैं आने वाले जो लोकसभा चुनाव में, आपको क्या लग रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं पब्लिक की? और पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 25 की 25 सीटें बीजेपी को गई थी, ये जो पैनोरमा है जो नरेंद्र मोदी का उसके पीछे वोटिंग होती है और लोग काफी प्रभावित है उनसे, और सामने जो विपक्ष भी है वो भी खराब नहीं होता। इस वजह से काम की बात की जाए दोनों मंत्रियों की, तो विशेष तौर से जैसलमेर की बात करें तो कुछ खास नहीं हो पाया। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म को लेकर नए जो टूरिस्ट पॉइंट जो बनने थे वो नहीं बन पाए। कनेक्टिविटी की बात करें तो विंटर शेड्यूल में ही फ्लाइट छूटती है, उसके अलावा फ्लाइट नहीं उठ पाती। कई ऐसी लोकेशन थे जैसे सूरत हो गई, बेंगलोर हो गई, वो फ्लाइट बंद हो गई, तो इरेगुलर फ्लाइट से भी काफ़ी नुकसान हुआ। जो ट्रेन की जो कनेक्टिविटी थी लंबी दूरी की वो काफ़ी प्रभावित रही, बंद रही, अभी कई ट्रेनें बंद भी होने वाली है, तो इसका जो नुकसान है वो जैसलमेर को काफ़ी झेलना पड़ा। बात करें पोखरण की तो वहाँ पर भी इतना ज़्यादा जो विकास जो सेंटर की तरफ से होना चाहिए था, जो मंत्री ने जो गोद लिए जो गांव उनका भी विकास नहीं हो पाया, तो कई काम के सिलसिले में बात करें तो काफ़ी प्रतिशत कम रहा है। और अब जो चुनाव आने वाले उनकी बात करें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास जनता के पास, तो नो डाउट 25 की 25 सीटें इस बार फिर आने की आशंका है। रामलला का मंदिर बनाए उससे उसको लेकर क्या लगता है, केंद्र में सीटें बढ़ेगी भाजपा की? बिल्कुल सही तौर पे, क्योंकि जो मोटो था एक पार्टी का जो 2 सीट से शुरू हुआ था और आज यहाँ तक पहुँचा है, तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रोल जो है वो राम मंदिर का रहा। इस बार जो उन्होंने जो कार्यक्रम किया, देश दुनिया के लोग जो उसमें जुटे और जिस तरह से लोग उससे जुड़े हैं, तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव पर। और जैसा मैंने पहले कहा आपको कि 25 की 25 जो सीट जैसे पिछली बार हुआ था वैसे इस बार भी हो जाए, हो सकता है 25 की 25 सीटें आएगी, इनका ये कहना है। खूब सुनते ये भी काफ़ी मेरे साथी हैं, क्या कहना चाहेंगे टूरिज्म को लेकर, आप क्या कहना है, दोनों मंत्री जो है कितना ध्यान दे पाए जैसलमेर में विकास को लेकर? देखिए केंद्र सरकार ने पिछले काफ़ी टाइम से बहुत डेवलपमेंट किया है और यहाँ दोनों एमपी बीजेपी के हैं तो निश्चित तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं। पर मेरा एक उन लोगों से सवाल है कि जैसे कृषि मंत्री जी है वो भी अपने यहाँ से है और जल शक्ति मंत्रालय भी इसी एरिया से है, तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि यहाँ की जनता औरण गोचर और तालाब के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रही है, पर हम लोग उसी मंत्रालय के हो गए उन्हें नहीं बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे पुराने जो पौराणिक जल स्रोत है वो दुनिया के लिए एग्जाम्पल है, कम से कम पहले वो बचे तो फिर हम एग्जाम्पल कहीं और पे दें। इसके अलावा टूरिज्म की कनेक्टिविटी की बात है तो कहीं ना कहीं प्रश्न मार्क इस पर भी है कि कनेक्टिविटी सिर्फ सीजन के 2 महीने रहते हैं, मैं चाहूँगा कि वो 12 महीने रहे,
यहाँ के टूरिज्म जो 4 महीने का है वो 12 महीने और जो समर टूरिज्म को लेके हम जैसे कहते हैं कि गर्मियों में आप कौन आते हैं, जब हम कहीं पे बर्फ देखने जाते हैं या बारिश देखने जाते हैं तो लोग गर्मियां देखने यहाँ क्यों नहीं आ सकते? निश्चित तौर पे आ सकते हैं, बस राजनीतिक उदासीनता से ऊपर उठ के हमें प्रयास करने की जरूरत है और वो होगा तो और बेटर होगा। राजस्थान में कितनी उम्मीदें, कितनी सीटें आ सकती है? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि जो पहले आई है उससे भी बेटर आएगी, जो आएगी उससे पहले बेटर आएगी। मेरे एक और साथी है मनीष व्यास जी, उनसे पूछेंगे किस तरह जो यहाँ के दोनों सांसद खड़े होते रहे और कितनी उम्मीद है, क्या वापस यही चेहरे रिपीट होंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में या कुछ और होगा या उलट फेर हो सकता है? सांसदों से काफी उम्मीद थी यहाँ की जनता को, हालांकि काफी कार्य किए हैं लेकिन जो वरिष्ठ साथियों ने बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की और सेंट्रल बीजेपी के होने के कारण काफी काम रुक गए हैं, तो जनता को विश्वास है कि आने वाले समय में ये कार्य पूरा होगा। और बात करें अभी के माहौल की, तो जब भी राम मंदिर का जो माहौल है तो पूरा देश उस माहौल में रम सा गया है। जो लास्ट समय 25 सीटें आई थी तो इस बार भी पूरी संभावना है कि बीजेपी की एक तरफ लहर चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है जो 2 चुनाव हुए हैं मोदी जी के आने के बाद, जो जाति का फैक्टर है वो पूरे राजस्थान में कहीं नजर नहीं आया है। जैसलमेर बाड़मेर हो चाहे कहीं का भी बात हो, पहले जाति के आधार पर वोट पड़ते थे लेकिन अभी विकास के नाम पर या मोदी जी के नाम पर वोट पर इस बार जो संभावना है वो राम मंदिर के नाम पर वोट होंगे, विकास के नाम पर वोट होंगे, बीजेपी काफी मजबूत है। क्या लगता है यार, ये चेहरे रिपीट होंगे या वापस तो नया चेहरा आएगा, क्या संभावना व्यक्त की जा रही है? भाजपा में अभी कुछ संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती क्योंकि जो अभी स्टेट में सरकार आने के बाद जो सीएम विजयलाल जी को बनाया है किसी को भी विश्वास नहीं था उनको बनाया जाएगा, लेकिन अचानक जो संगठन ने निर्णय लिया है उस निर्णय को देखते हुए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। उनकी जो विचार है वो उनके क्या कर रहे हैं वो वही तय करते हैं, तो संभावना है कि चेहरे रिपीट होंगे या नहीं होंगे वो संगठन उनका तय करता है, उनका कहना जल्दबाजी होगी कि इस मामले में भाजपा क्या निर्णय ले पाती। लेकिन वोट जो मोदी जी के नाम पे पड़ेंगे विकास नहीं होगा, ये बिल्कुल वोट जो है वो मोदी के नाम पे पड़ेंगे, फूल के नाम पे पड़ेंगे और राम मंदिर के नाम पे पड़ेंगे, ये तय है। चेहरा कोई भी हो मुझे नहीं लगता चेहरा बदले या नहीं बदले कोई फर्क पड़ेगा। मेरे को साथी है, क्या कहना चाहेंगे गोस्वामी जी आप? विमल जी, करिश्मावादी राजनीति में करिश्मावादी व्यक्तित्व जो होता है वो अपने आप में बड़ा स्थान रखता है। ऐसे में देखा जाए चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, चौथा अगर उसमें चेहरा देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का है। और उस चेहरे के सामने जो है जनता किसी को जो है इस बार नहीं देखना चाहती, जनता जो है नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देगी, ये मनसा पूर्ण है। ऐसे में सरहदी जिले जैसलमेर की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं जो दोनों ही मंत्री है लेकिन यहाँ के वासिंदों के हाथ जितना उन्होंने सोच के रखा था उतना उनको हासिल नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे आने वाले जो ये चुनाव है उसमें भाजपा की कितनी सीटें और आ सकती है, कितनी उम्मीद है कोई लहर चलेगी या जितनी है और बाकी जो साउथ के जो है बिहार है वहां से कोई फर्क पड़ेगा? जी मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि मोदी के नाम पर जो है लोग वोट देंगे और ऐसे में जो है देखा जाए तो राजस्थान में बात करें तो 25 की 25 ही सीटों का बताया जा रहा है। हालांकि जो है इसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि भाई कांग्रेस के पास जो है ऐसा कोई चेहरा नहीं है, अगर कांग्रेस में भी ऐसा कोई चेहरा उतर के आए तो हो सकता है कि एक आधी सीट पर भाजपा के लिए समस्या बन जाए। मेरे साथ कई और साथी है उनसे पूछेंगे, साथी मान सिंह है उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे जो लोकसभा चुनाव होने वाले में कितनी मतलब जो सरकार वापस रिपीट होगी, सीटें आ सकती है या यहाँ के जो मुद्दे हैं उस पर कितने खड़े होते हैं दोनों एमपी? सीमावर्ती जिला है और लोकसभा के चुनाव है तो वो तो चुनाव सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही लड़ा जाएगा, सीटें तो आएगी भी, फिर भी जैसे में 2 सांसद हैं तो सत्य बेहद कहना चाहिए कि सांसद आते थे मीटिंगों तक, पार्टी के कार्यक्रमों तक या DRD हॉल तक, लोगों से वहीं मिलते थे, जनता की समस्या को सुना नहीं। शहर में आज बहुत समस्याएं हैं, पुरातत्व विभाग की समस्या है, जल जीवन के लिए योजना है कमजोर चल रही है, रेलवे आवागमन है वो भी बहुत जरूरी है जो साथी पत्रकार कह रहे हैं, तो ये कुछ समस्याएं जो है उन्हें ध्यान देनी चाहिए। और बाकी सरकार तो बीजेपी की भाजपा की आएगी, मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे। मेरे एक साथी है तंदराव सिंह, क्या कहना चाहेंगे किस तरह जो है दोनों MP खड़े उतरे हैं? जैसलमेर की अगर बात करें तो कोकण से गजेंद्र सिंह शेखावत थे जल शक्ति मंत्री और जैसलमेर में बाड़मेर का हिस्सा भी जुड़ता है, जो किला चौधरी थे, मगर जो जैसलमेर में जो बैठकें हुई जिला प्रशासन के साथ मगर खड़े तो उतरे हैं, मगर और कहीं बात करें तो जो उनसे अपेक्षाएं थी मगर जैसलमेर में ये आते थे बैठकें करते थे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, मगर अब लोगों को खासी उम्मीद है क्योंकि डबल इंजन की सरकार पड़ी है, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो 4 साल 4.5 साल जो गूंजा उस पर कोई लगाम नहीं लगा। अगर बात करें DNP क्षेत्र की
डीएनपी विभाग की, तो उसमें कई ऐसी कार्यशैलियां सामने आएगी, बड़ी अधिक संख्या में करोड़ों के जो घोटाले थे वो उजागर नहीं हुए। अगर जैसलमेर में अगर रेल क्षेत्र की बात करें, पैटर्न की बात करें, तो जो रेल जो पहले जो चल रही थी उन रेलों को बंद कर दिया गया। अब जैसलमेर में जैसे जो वॉशिंग वाला जो खुल रहा है रेलवे डिपार्टमेंट है, उससे अब जो रेल जोधपुर में स्थानांतरण होती थी या वहाँ रुकती थी उनका ठहरा वहाँ था, वॉशिंग लाइन जो जैसलमेर में बनेगी उससे जो अब काफी रेलों का जैसलमेर में आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जी कितना मतलब उम्मीद है कि आगे वाले आने वाले राजस्थान में कितनी सीटें आएगी लोकसभा चुनाव? आने वाले चुनाव में तो ये लगभग तय माना जा रहा है। जैसे जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, अब लोग जैसे मोदी जो लहर चलती थी तो मोदी लहर में जो भाजपा को वोट करते थे, अब जो केंद्र की सरकार के ऊपर जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, अब तो लोग राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही वोट करेंगे। इससे तय माना जा रहा है कि 25 की 25 सीटें भाजपा की आएगी, 25 की 25 सीटें आएगी। इनका कहना दीपक भाटिया जी मेरे और साथी है, वरिष्ठ साथी है, पूछेंगे किस तरह की स्थितियां हैं इस बार जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है, कुछ नया चेहरा सकता है या कितने खड़े उतरे? जो भी आए, नए चेहरा पुराना चेहरा जो भी आए, वो सारे के सारे जो यहाँ पे वोट पड़ते आए हैं वो मोदी के नाम पे पड़ेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसलमेर की विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार जो है वो कांग्रेस बढ़त में रही थी, और लेकिन जो मोदी की जो लहर चल रही है, जो मोदी के काम बोल रहे हैं उसको लेकर संशय तो किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता कि जो पिछली बार कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस में वोट बढ़े थे वो वोट भी वापस बीजेपी को मिलने वाले हैं। लेकिन राज्य सरकार ने क्या है कि जो शिकंजा पूरा कस दिया है प्रशासन, एक ही दिन में जैसे वो पुलिस ने सुरक्षा अभियान चला दिया, 15 दिन से खनन के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां चल रही है, तो ये इन सब चीजों को नोटबंदी के तरीके से लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, लोग इसको अच्छा भी मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ में भी हालिया समय में तुरंत चुनाव है और बड़ा वर्ग जो है इनसे प्रभावित हो रहा है, तो हम हमारे क्षेत्रों से मैं जो महसूस कर रहे हैं उसका थोड़ा सा असर जरूर रहेगा कि ये गवर्नमेंट जो है धंधा कैसे करने देगी, ये इसको छोड़ दे तो बाकी कहीं पे भी इनको कोई दिक्कत लग नहीं रही है। ये मेरे सब साथी थे, पत्रकार वरिष्ठ साथी थे, सभी ने लगभग यही एक ही बात कही कि सरकार जो है वापस केंद्र में, मोदी सरकार वापस आएगी, रामलला की तरह पूरा देश जो है, जैसे अभी राममयी हुआ है, उस राममयी का पूरा फायदा जो है भाजपा को मिलने जा रहेगा, बहुत ज्यादा सीटें के में उछाल आएगा राजस्थान में, 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में आ सकती है। इसके अलावा जो इन्होंने एमपी के बारे में बात की, तो यहाँ के जो एमपी है उसके बारे में जो यहाँ के पत्रकारों ने जो राय व्यक्त की, बताया अपनी अपनी आईक्यू से, अपने अपने सोच से बताया कि जो कई जैसलमेर की अपेक्षाएं थी टूरिज्म को लेकर जो डेवलप होना चाहिए नहीं हुआ, रेल कनेक्टिविटी एकदम पुअर है, आज जयपुर के लिए कोई ढंग की ट्रेन नहीं है जबकि जैसलमेर इतना बड़ा पर्यटन स्थल है, तो कुल मिला जो है एयर कनेक्टिविटी वो भी अभी बंद हो जाएगी, फ्लाइट जो है वो फरवरी में बंद होने वाली है। इसके अलावा डबल इंजन की जो सरकार आ गई है राजस्थान में उसका भी काफी फायदा मिलेगा, जो कि पहले जो सरकार कांग्रेस की थी एमपी दोनों जो थे वो बीजेपी के थे तो काम होते भी नहीं थे, कई स्टेट की कई ऐसी प्रोजेक्ट थे, ऐसी योजनाएं थी वो भी बंद थी, तो अब ये कहा जाए कि दोनों मिल के डबल इंजन की सरकार आने से राजस्थान में विकास होगा, जैसलमेर का भी विकास होगा। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जो एमपी से अपेक्षाएं थी, रेजिडेंशियल पार्क इश्यू थे और भी कई जो जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट थे उसको लेके भी कई बातें आई, तो ये कहा जाए कि जो दोनों सांसद थे, दोनों मंत्री भी हैं, उनको और अच्छा ध्यान देना चाहिए। अगर रिपीट भी होते हैं तो पब्लिक को और उम्मीद है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें जीतेंगे और पब्लिक के लिए बेहतर काम करेंगे, यहाँ के जो अवरुद्ध कार्य है, कई विकास कार्य है उनको पूरा करने में अपना योगदान देंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।